Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और ये हम बात कर रहे हैं स्टेप टू सी के, विच इज अ क्लिनिकल पार्ट। और इसके अंदर हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे पहले। और सबसे पहले जो बात करेंगे वो इन दो टॉपिक्स की बात करेंगे, वन इज ओस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर इज रूमाटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसके साथ साथ अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो हम साथ साथ कवर करते हैं। ओके, सो पहला टॉपिक जो है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। देखें, हमेशा टॉपिक में जो भी हेडिंग होती है ना, सिर्फ और सिर्फ आप उसके ऊपर थोड़ा सा उसको बेहतर सोचें, इस वर्ड को सोचें, ओस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, इसका मतलब है ये कोई ऐसी चीज है जो जॉइंट से रिलेटेड, और जहां वर्ड आर्थराइटिस आ जाता है आपको पता है वी कॉल इट इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज मोस्ट लाइकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ। अच्छा, अब देखें ये क्या ये हर जॉइंट को हो सकता है? यहाँ यही पे ये कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि इसमें कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ उन जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं? ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक कवरिंग होती है, बिल्कुल एक मैम्ब्रेनस एक लेयर सी होती है जिसको हम साइनोवियल मैम्ब्रेन कहते हैं। तो साइनोवियल मैम्ब्रेन इज अ सीरस लेयर। ठीक है, और वो इन्फ्लेम जब होती है तो दैट इज बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस। इसका मतलब है कि ये वो जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे जिन जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। सो साइनोवियल जॉइंट्स इसका मेन टारगेट होते हैं। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वर्ड तो आइटिस आया, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, बट एक्चुअली यहां पर जो जो इसकी डेफिनेशन उसके अंदर लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज होता है कि अच्छा यार आइटिस भी आ रहा है तो ये तो इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए फुल ब्लोन, और साथ ही क्या है ना कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है। तो देखें, इट इज अ कॉमन क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। देखो, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं ना उसके अंदर क्या होगा, WBC आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वो वहां इन्फ्लेमेशन करेंगे। वो जो पांच टिपिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो कि पैथोलॉजी के अंदर हम देखते हैं पैथोमा में, वो क्या क्या है? एक है रूबर, पॉलर, डॉलर, ट्यूमर एंड फंक्शन लीजिया, विच मीन लॉस ऑफ फंक्शन। तो वो जो पांच साइंस थे, रेडनेस है, हॉट है, टेंडर है, स्वेलिंग है, वो इसके अंदर नहीं होती उस तरह। तीसरा, इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्रॉनिक प्रोसेस है, ये अक्यूट प्रोसेस नहीं है, यानी ये 2 दिन में स्टोरी शुरू नहीं होने वाली। इसलिए इसका जो सिनेरियो है उसको पिक करना बहुत आसान है कि ये पेशेंट आपके पास 2 दिन 4 दिन की हिस्ट्री नहीं बल्कि हिस्ट्री ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स के साथ आएगा। तो देखिए, एक इसकी डेफिनेशन से ही ना हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई कि ये ऐसा मरीज होगा जिसके जॉइंट्स में पेन होगी, और जॉइंट्स में पेन भी कई महीनों से या सालों से होगी, और फिर वो जो जो जॉइंट पेन है वो डे बाय डे कहने की उसकी वर्सनिंग होगी, इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ। ठीक है, अब जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो ऑब्वियसली जहां वो जॉइंट्स बने हुए हैं वो जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं उनमें चेंजेस आना शुरू। तो अब आर्टिकुलर सरफेस मैं पहले बनाता हूँ ना होता क्या है, और फिर देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम क्या चेंज आएगा। तो लाइक सपोज कर लो कि ये एक जॉइंट मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो कि एक जॉइंट दिस, ठीक है, पे आने दे। अच्छा, अब ये जॉइंट है ना सपोज, तो इस जॉइंट के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ये जॉइंट स्पेस होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ जॉइंट स्पेस। और ये जो जॉइंट की ये जो बोन्स हैं, जो कोई भी बोन है उनके ऊपर, यहाँ मैंने कहा था क्या है, सिनोवियल कवरिंग, साइनोवियल मैम्ब्रेन। ठीक है, तो अब जब चेंजेस आएंगी तो क्या होगा, एक तो ये जो जॉइंट स्पेस है ना ये कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला तो ये काम होगा। उसके बाद ये जो जॉइंट सरफेसेस है ना इन पे नॉर्मली कोई नई बोन नहीं बननी चाहिए, दे शुड बी वेरी स्मूथ, बट अनफॉर्चुनेटली फिर इनके ऊपर यहां पर नई बोन बनना शुरू हो जाएंगी, विच आर कॉल्ड एज ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा होता है, देखिए ये मैं इसको जरा थोड़ा सा चलो बेटर इमेज बनाता हूँ कि अगर हम कोई बड़ा जॉइंट ले लें, लाइक सपोज यहाँ पर इस तरह का, आपको पता है कि यहाँ पर जॉइंट्स जो सर्फेसिस होते हैं उनके ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होती है। देखो, इस जॉइंट में मैक्सिमम यही है, और क्या होना है इसमें,
अगर डैमेज होना है तो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज ने डैमेज होना है, जब आर्टिकुलर कार्टिलेज ने डैमेज होना है तो उसके नीचे पड़ी हुई बोन है उसको मसला होगा, ज्वाइंट स्पेस कम होगी। अब यही सारे फीचर्स देखें कि इसके अंदर जब हम इसको करते हैं इन्वेस्टिगेट तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, यहाँ इसके फीचर्स क्या है। इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑन ऑन रेडियोलॉजी विच मीन्स ऑन एक्सरेज। आप एक एक्सरे पकड़ा देते हैं और कहते हैं जी बताएं इसके अंदर आपको क्या फाइंडिंग्स जो है वो नजर आते। अब देखिए क्या नजर आ रहा है, डिटीरियोरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज वो डैमेज हो देती है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन विच इज दी न्यू फॉर्मेशन, मैंने कहा था कि वो ज्वाइंट सरफेस के ऊपर नहीं बननी चाहिए थी, वहां पर वहां स्मूथ कार्टिलेज होनी चाहिए थी, बट ये दो प्रोसेसेस वहां पे होने शुरू हो जाए। और थर्ड मैंने आपसे कहा कि वो ज्वाइंट स्पेस जो है कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट भी है जो इसके अंदर इन्होंने नहीं लिखा हुआ, वो ये है कि जो ज्वाइंट जो जो बोन होती है उसके अंदर छोटी छोटी कैविटेशन होना शुरू हो। तो चार फीचर्स होते हैं जो आपको एक्सरे के ऊपर इसकी फाइंडिंग्स पता चलती। अच्छा अगला सवाल है जी, क्या ये जो डिजीज है ये फैमिलीज में रन करती है या इसके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं। देखो हर डिजीज का कोई ना कोई रिस्क फैक्टर हो, तो इसका चूंकि ये फैमिलियल ये रन फैमिलीज में रन करने वाली डिजीज है, तो इसमें हिस्ट्री जो फैमिली हिस्ट्री है वो पॉजिटिव होगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसकी फैमिली में इसकी जो जनरेशन है उनमें कहीं ना कहीं ये मसला होगा। उसके अलावा ओबेसिटी हो सकती है, जॉइंट ट्रॉमा। अच्छा ये जो दो चीजें हैं ओबेसिटी एंड जॉइंट ट्रॉमा, लॉजिकल सी बात है। देखो जितना बंदा मोटा होगा उतने उसके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आएगा, जितना स्ट्रेस ज्यादा आएगा उतने उसका वहां वियर एंड टीयर फिनोमिना ज्यादा होगा, जितना टीयर फिनोमिना ज्यादा होगा उतने चांसेस हैं कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या बाकी चीजें जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें एक ही पैराग्राफ के अंदर हमें इसके मोटे मोटे बहुत सारे फीचर्स मिले। अब अगर इसको मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, तो याद रखिएगा वी शुड ऑलवेज डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दी रूमाटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रूमाटॉइड। चलिए अब देखते हैं क्लिनिकल सिनेरियो में ये पेशेंट हमारे पास कैसे आए। ये पेशेंट होगा मोस्ट लाइकली इसकी जो एज है ना वो मैं कहूंगा कि 50 एंड अबव। तो ये फिफ्थ डेकेड ऑफ लाइफ जो है या उससे ऊपर की ये डिजीज है, ये आपके पास 20-25 साल का जो यंग बंदा है वो नहीं होगा, रिलेटिवली आप कह लें कि लेट यंग एज या ओल्ड एज का स्टार्ट जो कह लें कि उसके अंदर होगा पेशेंट है। पेशेंट क्या कहेगा डॉक्टर साहब, अच्छा डिफरेंट सिनेरियो बने, कहेगा डॉक्टर साहब मैं चलता हूं ना तो मेरे ज्वाइंट्स में से ना साउंड आती है, क्रैपिटस आता है, ठीक है मैं बेंड करता हूँ मुझे पेन होती है, मेरे ज्वाइंट स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहते जी जब सुबह उठता हूँ तो आई फील बेटर, और जैसे जैसे दिन गुजरता है मैं काम करता हूँ शाम को घर आता हूँ तो मेरी पेन वर्स हो जाती है। ठीक है, देखो मैंने फिर आपसे पहले शुरू में इसको रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये वो ज्वाइंट्स का मसला है जो वियर एंड टीयर फिनोमिना है, जितना उस ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर डालोगे जोर डालोगे उतनी ही तकलीफ पड़ेगी। तो अगर एक बंदा सुबह उठता है वो वॉक करता है काम पे जाता है कोई वेट उठाता है अपना कोई फिजिकल जो है स्ट्रेस वाला काम करता है, तो शाम तक उसके जॉइंट में पेन बढ़ जाएगी, जब आ जाएगा सो जाएगा रात को उसके जॉइंट्स को रेस्ट मिलेगा सुबह उसकी पेन बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये स्टोरी देखें, ये सिनेरियो मैंने बता दिया कि 55 इयर्स 60 इयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंटेड टू यू इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन, पेन इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ द डे विद द फिजिकल एक्टिविटी, पेन इज रिलीव्ड व्हाइल टेकिंग सम रेस्ट और व्हाइल टेकिंग सम पेन किलर्स। सो देखें क्या जी क्रैपिटस था, डिक्रीज आरओएम का मतलब होता है रेंज ऑफ मूवमेंट्स, पेशेंट कहते हैं पहले मैं पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट्स मेरे होते थे जॉइंट्स की अब उतनी नहीं है, फिर क्या है पेन दैट वर्सन्स विद द एक्टिविटी एंड वेट बियरिंग एंड पेन दैट इंप्रूव्स व्हाइल टेकिंग रेस्ट, यहीं से डायग्नोसिस पकड़ा जाता है कि यार ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये कोई और डिजीज नहीं। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोमाटोलॉजी के अंदर एक टर्म है विच इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब क्या है कि ये पेशेंट जब सुबह उठते हैं ना तो हम उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि जब आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त आपके ज्वाइंट्स की कंडीशन क्या होती है, आप कैसा फील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टिफनेस। अब ये पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ इनिशियली मुझे मूवमेंट्स में थोड़ा 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 मसला होता है,
लेकिन यूजुअली मुझे 20-25 मिनट, 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं सेटल हो जाता हूँ, एंड वंस आई एम इन अ मूव तो फिर मेरे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। सो इट मीन्स कि ये पेशेंट शुरू में थोड़ा सा इसको स्टिफनेस फील होगी ज्वाइंट्स की, बट जैसे जैसे ये चलना शुरू करेगा, वॉक करना शुरू करेगा, तो पेशेंट विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस यूजुअली इसके अंदर होती है, बट द ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस इज लेस देन 30 मिनट्स। हॉट फेवरेट एमसीक्यू है, मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है फ्रॉम रूमाटाइड आर्थराइटिस, जिसमें मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट से ज्यादा हो, तो हम इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, इसमें एक कॉमन टर्म यूज होगी जेलिंग। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कि पेशेंट को क्या है कि स्टिफनेस इज ऑल्सो एक्सपीरियंस आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट। यानी पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब ये जरूरी नहीं कि मुझे, मैं सुबह उठता हूँ तो मॉर्निंग स्टिफनेस मुझे तब ही होती है। हाँ, मैं घर आऊँ, आके थोड़ी मैं रेस्ट कर लूँ, आधा पौना घंटा लेट जाऊँ, तो फिर मैं जब उठता हूँ तो मुझे फिर फील होता है कि मेरे ज्वाइंट्स थोड़े से स्टिफ हो गए। सो यहाँ जो स्टिफनेस का फिनोमिना है, दैट इज नॉट प्योरली रिलेटेड टू द मॉर्निंग। एनी टाइम व्हेन द पेशेंट इज गोइंग टू हैव सम रेस्ट, उसके बाद उसको एक जेलिंग फिनोमिना आएगा और उसमें वो थोड़ा सा ये फील करेगा। नहीं जी, यहाँ तक जो क्लू पॉइंट्स है ना, जरा देख लें। एक तो मैंने बताया कि ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये सिनोवियल ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व करता है। चार चेंजेस मैंने बताई जो आपको एक्सरे के ऊपर नजर आती हैं। नंबर वन, ज्वाइंट स्पेस कम हो जाती है। नंबर टू, आर्टिकुलर जो सरफेस है वो डैमेज हो जाता है। नंबर थ्री, ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। नंबर फोर, जो ज्वाइंट मैंने कहा था कि जो आर्टिकुलर डिस्क है या आर्टिकुलर सर्फेस है, उसके नीचे बोन के अंदर कैविटेशंस हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉमनली साइंस ऑन एक्सरे जो हम पिक कर सकते हैं। हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है मोटे बंदों को, और उन लोगों को जिनमें फ्रीक्वेंट ज्वाइंट ट्रॉमास होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, किसी वजह से स्पोर्ट्स में है, तो उनके अंदर चांसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा। फिर जब पेशेंट का सिनेरियो हमने डिस्कस किया, तो पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर साहब मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे घुटनों में से आवाज आती है, क्रैपिटस या क्रैकलिंग साउंड आती है, मेरी रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो गई है। ठीक है, फिर वो कहते हैं शुरू में जब मैं उठता हूँ तो जो है 30 मिनट्स मुझे लग जाते हैं ऑलमोस्ट मेरी स्टिफनेस को कम होते होते, बट उसके बाद मैं चलना शुरू कर देता हूँ, देन आई फील बेटर, बट रात को जब मैं आता हूँ तो उस वक्त मेरे जॉइंट्स में पेन ज्यादा होती है। सो एक्टिविटी से अगर जॉइंट पेन वर्स होना शुरू हो जाती है तो मोस्ट लाइकली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एमसीक्यूज बेटा इसके अलावा बहुत रेयर हैं जो आती हैं, इतने ही पॉइंट्स काफी हैं जिससे आप इसको इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चले, अब आ गया ये पेशेंट आपके पास, आप बैठे हैं ओपीडी के अंदर, आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, ये सारी बातें आपने पूछ ली, ठीक है, इसके एसोसिएटेड बातें भी होती हैं। अच्छा जी, आपको इसके साथ फीवर तो नहीं हो रहा, आप इसके साथ कोई और सिम्टम या सिस्टम इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, तो आप रूल आउट कर लेते हो बाकी चीज़ें। फिर उसके बाद आप कहते हो जी आपकी करवानी है कुछ इन्वेस्टिगेशंस। अब इन्वेस्टिगेशंस में क्या कराओगे, यूजुअली हम क्या कहते हैं, जब भी जॉइंट पेन हो तो पहला हमारा काम होता है यार एक एक्सरे का, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, नजर तो आ जाए ना कुछ बोल। तो उसमें वो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे वो देखो क्या था, जॉइंट स्पेस नैरोइंग, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, जिसको मैंने कहा था कि कार्टिलेज के नीचे कैविटेशंस या सिस्ट बनना शुरू हो जाती है या हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, और चौथा वो लिखा उन्होंने सबकॉन्ड्रल बोन सिस्ट फॉर्मेशन। ये वही चार पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, 100% आने वाला सवाल है, याद कर लेना इसको। एक्सरे सिवेरिटी, अच्छा ये बड़ी जबरदस्त बात इसने की है कि अगर आप उसका एक्सरे देखोगे ना इस पेशेंट का, ये इसमें बड़ा हम इसको एंजॉय करते हैं इस बात को, कहते हैं आपने एक्सरे देखा, तो आप एक्सरे देख के मरीज आपके सामने खड़ा है तो आपके मुंह से ना अक्सर निकल जाता है, ओए होए होए, ओए होए ये क्या हो गया। मतलब अच्छा, हालांकि ऐसा रिएक्शन देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा ओए होए होए जो है ना, ये पेशेंट के लिए तो बहुत तबाही बर्बादी कर देता है, पेशेंट समझते पता नहीं क्या निकला है इसके अंदर। अच्छा, वो ये बात बताने का मकसद क्या है कि उसकी जो एक्सरे के ऊपर सिवियरिटी होगी ना वो ज्यादा होगी, आप देख के समझेंगे यार इसका तो ज्वाइंट गया उड़ गया, बहुत ज्यादा डैमेज हो। अब क्लिनिकली पेशेंट को देखोगे तो उतने सिम्टम्स ज्यादा नहीं, ठीक है, तो ये भी एक इसका बड़ा एक अजीब सा पैटर्न है। सो एक्सरे सिवेरिटी डज नॉट कोरिलेट विद द सिम्टोमटोलॉजी, सिम्टम्स उतने नहीं है जितना बुरा एक्सरे लगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक, चलो आप फॉर योर कह लो कि वैसे फॉर फन मैंने आपको बात, लैब्स क्या करानी है, एक्सरे करवा ली है, अब आप उधर ही आपने देखा कि हाँ यार एक्सरे में ये चीजें आई हैं, अब आप कुछ और लैब्स भी करवाना चाहते हो। देखो जब ये ज्वाइंट पेन आती है ना और एक पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है, तो हमें कोई वो हमें हिस्ट्री पे ही थोड़ा सा आइडिया होगा ना कि यार इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, फिर हमारे माइंड में इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस चल रहे हो क्या चल रहा होता है, यार इसको विटामिन डी डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है, ठीक है।
इसको एज रिलेटेड चेंजेस भी तो आ सकती है, हालांकि एज रिलेटेड ही ये डिजीज डिसऑर्डर है। अच्छा यार, इसमें कहीं कोई हाइपर जो थायराइड पैराथायरॉयडिज्म है वो कहीं मसला ना हो। अच्छा, इसको रूमाटाइड आर्थराइटिस ही ना हो, ठीक है। अच्छा, इसको कहीं कहीं वो क्या कहते हैं, कोई कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर ही ना हो। तो फिर ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे माइंड में होते हैं, देन वी गो फॉर दी वर्कअप ऑफ दिस। अब उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार इसका ना सीबीसी करो, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन का कॉमनली वर्ड यूज होता है, गो फॉर सीबीसी। सीबीसी में क्या देख रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का हो जो कि इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। हमने शुरू में डिस्कस कर लिया कि ये है ही नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, तो इसमें जरूरी नहीं है डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ाओ। अच्छा, और क्या देख सकते हैं इसमें, सीबीसी में एचबी देख सकते हो, प्लेटलेट काउंट देख सकते हो, न्यूट्रोफिल्स देख सकते हो। फिर आपने, आपको लगा नहीं यार ये इसमें कुछ नहीं मिला, आपने कहा जी इसका ना ESR भी कराएं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कराएं, वो भी इन्फ्लेमेशन को शो करता है। अगेन, चूंकि ये नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ESR हो सकता है नॉर्मल। फिर आप कहते हैं अच्छा यार ऐसा करो, इसका CRP कराओ, CRP इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो भी एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, वो भी इसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल। चूंकि ये है ही नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है कि जितने इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स हैं या मार्कर्स हैं, ये बढ़ेगी नहीं, वो इसमें इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगा उतना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें लैब्स, याद रखिएगा, कोई खास उसमें वर्सनिंग नहीं होती, यानी उसमें ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा कोई लैब्स के अंदर जो है वो एरर्स आना शुरू हो जाए। तो ये किसके अंदर याद रखना, तो बस करवाते हैं आप वही, आप CBC कराते हैं, LFTs RFTs कराते हैं, आप उसका यूरिन कंप्लीट करवाते हैं, सारा कुछ आप उसका वर्कअप करवा लेते हैं, एक्सरे वगैरह भी आप जो है वो उसका करवा। चलिए जी, अब फिर मैंने कहा कि जब ये सारा कुछ करवा ही लिया है, तो लैब एबनॉर्मैलिटीज एज सच हमने डिस्कस कर ली है कि होती नहीं है, तो फिर क्या हमें करना चाहिए इस पेशेंट को। तो फिर हमें अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो था वो मैंने कहा था रूमाटाइड आर्थराइटिस के साथ है, तो हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे की सारी स्टोरी हमें पता है, फर्क सिर्फ क्या होगा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आ रहा है उसके अपोजिट रूमाटाइड आर्थराइटिस में। नंबर 1, मैंने क्या कहा था कि ये डिजीज ही 50 साल के बाद की है, एल्डरली पॉपुलेशन, ग्रेजुअली मैंने कहा था आने वाली बीमारी है, कई महीने साल लग जाते हैं, यूज ऑफ द ज्वाइंट से पेन बढ़ जाती, यही बातें हमने डिस्कस की थी। उल्टा कर दो, ये यंग लोगों की एज है, इसमें यूज ऑफ द ज्वाइंट से पेशेंट इंप्रूव कर जाते। वहां वो कह रहा था कि डॉक्टर साहब मैं 30 मिनट्स के अंदर अंदर सेट हो जाता हूँ, उसके बाद मैं चलता फिरता हूँ, शाम को मेरे हाल दोबारा खराब हो जाते। यहाँ पेशेंट क्या कहते हैं, कहते डॉक्टर साहब सुबह उठता हूँ मेरा हिला नहीं जाता, ये रूमाटॉइड आर्थराइटिस वाला मरीज, हिला नहीं जाता डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल से खींच के किसी तरह मैं अपनी उसमें से निकलता हूँ, मुझे घंटा लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइंट्स को मूव करते हुए, सुबह मेरे लिए ज्वाइंट्स मूव करना बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे मैं एक दफा मूव करना शुरू कर देता हूँ ना, फिर पूरा दिन मुझे चलते चलते जितना मैं चलता जाता हूँ मैं बेहतर हो जाता हूँ, सो पेशेंट फील्स बेटर व्हेन ही कम्स होम एट द इवनिंग। शुरू में ज्यादा उसका खराब था, डे बाय डे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों, रूमाटॉइड आर्थराइटिस इज प्योरली प्योरली एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यहाँ न्यूट्रोफिल्स भी आएंगे, या ज्वाइंट एडिमा भी होगा, यहाँ स्टिफनेस भी होगी। जब पेशेंट चलना फिरना शुरू करता है तो वो ज्वाइंट एडिमा पेशेंट का उसकी मूवमेंट्स की वजह से कम हो जाता है, जब कम होता है तो डेड पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग, ठीक है। तो ये बड़ा जबरदस्त इसके अंदर फेनोमेना है, और यही 2 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम इसके सिनेरियोस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा फिर देखो, ये कहाँ पे ज्वाइंट्स, कौन से ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट यहाँ लिखे DIP, विच इज डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। ये देखो ये फेलेंक्स है हमारी, ठीक है, ये इसके अंदर प्रोक्सिमल इंटर जो सॉरी ये प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट है, ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट है, और ये जो ज्वाइंट है ये मेटाकार्पोफिलेंजियल ज्वाइंट, MCP कहते हैं इसको, मेटाकार्पोफिलेंजियल ज्वाइंट। ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, ये डिस्टल इंटर, हम कहते हैं DIP एंड PIP, दो ये, और फिर बड़े ज्वाइंट्स, बड़े ज्वाइंट्स में क्या आते हैं, हिप बोन्स एंड नी ज्वाइंट्स। सो दो छोटे से ज्वाइंट्स हैं, दो बड़े ज्वाइंट्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद अगर कंपेयर करें हम रूमाटाइड आर्थराइटिस को, तो उसमें देखो तकरीबन सारे के सारे जॉइंट्स में गए तो वैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जितने बड़े जॉइंट्स उसमें देखो नीज हैं, हिप बोन्स हैं, एंकल्स हैं, शोल्डर हैं, एल्बोस हैं, सारा कुछ ही है, और रिस्ट है, ठीक है, और मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट भी है, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट्स ऑफ दी हैंड का वर्ड यूज होता है MCQ के अंदर, बाकी बड़े जॉइंट्स मैंने कहा था हो सकते हैं, और रूमाटाइड आर्थराइटिस के अंदर ऑलमोस्ट बड़े जॉइंट्स पहले होते हैं फिर बाद में
छोटे छोटे ज्वाइंट्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट है उसकी कोई सिमेट्री नहीं, सिमेट्रिकल नहीं। सिमेट्री मीन्स ये नहीं है कि जी इस हाथ का ये ज्वाइंट इन्वॉल्व है तो इसका भी इन्वॉल्व है, ठीक है, ऐसा नहीं है। चूंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही नहीं है ना, तो ये तो वियर एंड टियर फिनोमेना की वजह से, तो जरूरी नहीं। लेकिन रूमाटाइड आर्थराइटिस में ज्वाइंट्स इन्वॉल्वमेंट हमेशा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी राइट हिप है तो लेफ्ट है, राइट नी है तो लेफ्ट नी, ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा। फिर हमने कहा था कि आप जब आपने इसका वैल्यूएट करना है, एक तो आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, दूसरा आप क्या करते हो, आप इसके अंदर से साइनोवियल फ्लूड ले लेते हो जो कि ज्वाइंट के अंदर होता है, एस्पायरेट करते हैं, एस्पायरेशन करके हम उसका टेस्ट करवा लेते हैं। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ही नहीं, तो उसमें नंबर ऑफ WBC काउंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सरे करवाते हैं तो हमें, मैंने कहा था, ऑस्टियोफाइट्स मिल जाते हैं, ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग हो जाती है। इसके अंदर जो टेस्ट हम करवाते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर, उसमें NTCCP एंटीबॉडीज, ठीक, अच्छा अब ये ना बेशुमार एंटीबॉडीज हैं इसके अंदर। अभी हम रूमेटोलॉजी के अंदर जितने भी बेसिकली जो मार्कर्स है ना, वो ज्यादातर एंटीबॉडीज हैं, ये डिफरेंट एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, यही सारी बातें इसके अंदर जो है वो डिस्कस होंगी, ठीक है। तो यहां तक जनाब ये सारी स्टोरी है, अभी तक कोई बात नहीं समझ आई तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके जी, यहां तक बात क्लियर हो गई, हमारे पास दो चीजों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन गया, हमें दोनों के सिनेरियोस की बात क्लियर होगी कि कैसे है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगर हमें वर्कअप की बात करवाना पड़े तो हमने क्या क्या करवाया था। हमने सिंपली एक्सरे करवाया था, अगर आपको याद हो उस टाइम, और एक्सरे भी सादा से एक्सरे होता है, प्लेन एक्सरे से कहते हैं, ये सारा है। और मैंने कहा था इसमें जो ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज मेटाकार्पोफिलेंजियल ज्वाइंट MCP, दिस इज प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल एंड दिस इज डिस्टल इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट। तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ये देखें, यहाँ पर अगर आप इस ज्वाइंट को जरा गौर से देखें ना, तो आपको ज्वाइंट स्पेस अच्छी मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ज्वाइंट्स आपस में फ्यूज हो गए हुए हैं, तो ये इसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं और ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है, यहाँ पर भी इट्स क्वाइट क्लियर। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो है, ये जो रिस्ट ज्वाइंट है सीम्स टू बी फाइन, जो मेटाकार्पोफिलेंजियल ज्वाइंट्स हैं वो ये है मेटाकार्पोफिलेंजियल ज्वाइंट, ठीक है। ये जो होता है ये वाले ज्वाइंट, ये कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट्स होते हैं, यहाँ कार्पल बोन मेटाकार्पल बोन्स के साथ ज्वाइंट। सो मोस्टली हमें आइडिया हो गया कि दिस सीम्स टू बी एन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अब चूंकि हम पढ़ भी वही रहे हैं तो उसकी ही हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो क्या ख्याल है, ये पेशेंट आपके पास आएगा तो आप इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट आप इसको सजेस्ट करो? बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट आप उसे ये कहोगे, यार वेट कम कर लो, या कोई ऐसा काम ना करो जिससे आपकी फिजिकल जो है एग्जर्शन ज्यादा हो, आप फिजियोथेरेपी करवा लो, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये तो एक एज रिलेटेड वियर एंड टीयर फेनोमिना की वजह से, ये कौन सा कोई जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, तो इन्हीं के साथ ही पेशेंट बेहतर हो जाता है। आप एनसेड्स देते हो, फिर कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं ठीक हो रहा, फिर आप कहते हैं यार ज्वाइंट के अंदर ना इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स लगवा लो। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, थोड़ी जो उसको कह लें कि हीलिंग में हेल्प आउट कर देते हैं, थोड़ा जो पेन या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का प्रोसेस होता है उसे स्लो डाउन कर देते हैं, सम हो उससे भी बेहतर हो जाते हैं। और आजकल इसका क्या लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं जी PRPs होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट रिच जो प्लाज्मा होता है वो आप करवा लें। आपको पता है हर जगह PRP यूज होता है, वो कहते हैं जी प्लेटलेट्स लेते हैं उसमें से प्लाज्मा स्क्वीज करके प्लाज्मा लगाएं, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो इस कार्टिलेज को हील करने में या रीग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं। सारे जो मेजर्स आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट, दिस इज द सिम्टमैटिक ट्रीटमेंट ओनली। तो याद रखिएगा कि ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टमैटिक ट्रीटमेंट। अगर आप उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, देन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो अब आपको चाहे वो हिप जॉइंट है, टोटल नी जॉइंट है, यही करके हम इसको ट्रीटमेंट वो फाइनलाइज करते हैं।